माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्देश मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट दिशा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 79वां, 40वां, 41वां, 42वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथी ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा
करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की क्रूर सत्यों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असीमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। Thank you.